लाइव फीड से कल एक ऐसी क्लिप बाहर निकली है जिसमें जो है आधी चीजें म्यूट हो गई हैं, आधी चीजें समझ में आ रही हैं। उसमें जिक्र चल रहा है सिद्धार्थ और आसिम का, जिसको देख भड़क गए आसिम फैंस, और फिर अभिनव शुक्ला के लिए इतना गंदा ट्रेंड किया कि भाई क्या ही कहें। क्या है उस क्लिप की सच्चाई, क्या है पूरी चीज, क्या है पूरी बात, बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई आसिम फैंस का प्यार अगर देखना हो तो आप प्यार बिल्कुल देख सकते हैं, आप डाउट ही नहीं कर सकते आसिम फैंस की लॉयल्टी पर और उनके प्यार पर, क्योंकि वो लोग इतने प्यार बरसाते हैं, इतना ज्यादा प्यार बरसाते हैं आसिम पर कि भाई बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा देखिए तो, सुनिए तो, रुकिए तो, रुक तो जाइए, देखिए तो क्लिप ठीक से, क्योंकि आई पर्सनली वॉच दैट क्लिप 30 टाइम्स ऑन रिपीट, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आखिर बात चल क्या रही है, क्या सच में आसिम की वहां पे मौकरी हुई है, और अगर आसिम की मौकरी हुई है तो अभिनव शुक्ला के लिए जो ट्रेंड किया गया था वो फिर भी गलत था, क्योंकि आप उसको फिर भी एक गलत, मतलब एक अलग तरीके से ट्रेंड कर सकते थे। जिस वर्ड का वहां पर यूज हुआ है ना वो गलत है, यानी कि अभिनव शुक्ला डैश है जो ट्रेंड हो रहा था ना वो गलत था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जानिए क्लिप के अंदर था क्या। क्लिप में शुरुआत होती है राहुल वैद्य किसी इंसिडेंट को बता रहे हैं किचन की तरफ पॉइंट करके, ऐसा लग रहा है जैसे इसी सीजन का इंसिडेंट बता रहे हैं, को रिलेटेड विथ सीजन 13। जिसके बाद अभिनव शुक्ला यहाँ पर जो है फिर थोड़ा सा ऐसे उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी तक आसिम की बात शुरू नहीं हुई है, सिद्धार्थ की बात चल रही है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ की बात चल रही है कि सिद्धार्थ वॉज ऑलवेज कम एंड दिस यूज टू कम एंड यूज टू ही या शी, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि वहां पे म्यूट हो गया है सब कुछ। तो यहाँ पर सिर्फ सिद्धार्थ की बात चल रही है अभी तक। और फिर जब अभिनव शुक्ला बैठ जाते हैं तब होता है सबसे पहला आसिम का जिक्र कि आसिम ट्राइड टू हार्ड बट सिड वॉज काम, क्योंकि सिद्धार्थ जानते थे उनकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन आसिम अपने आप को एस्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश कर रहे थे जो कि सच है। फिर जिसको यहाँ पर अग्रीमेंट के साथ विकास गुप्ता भी बोलते हैं कि हाँ आसिम ने बहुत कोशिश की और उसका उसको फल भी मिला है, दैट ही हैज सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग नाउ, सच अ लॉयल फैन फॉलोइंग नाउ। तो यहाँ पर जो है अभिनव शुक्ला ने आसिम का जिक्र किया कि नहीं किया उस म्यूट के क्लिप में हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक म्यूट क्लिप हम जानते ही नहीं है। तब तक आसिम का जिक्र चालू ही नहीं हुआ था, सिर्फ सिद्धार्थ का जिक्र चल रहा था। जिस तरीके से अर्शी भी हाँ 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 बोली थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की का जिक्र चल रहा है जो सिद्धार्थ के सामने इस तरह से जंप करती होंगी। तो यहाँ पर आसिम का जिक्र हमको नहीं लगता है हुआ है, क्योंकि बाद में जब आसिम का जिक्र हुआ तो सभी के जुबान पर उनके लिए सिर्फ तारीफों के बोलते, चाहे फिर वो अर्शी खान हो या फिर हो विकास गुप्ता, इवन अभिनव शुक्ला ग्रेट कि यस आसिम वाज वन स्टार वन कंटेस्टेंट जिसने बहुत कोशिश की और उसने वो मुकाम हासिल किया अपनी कोशिशों से। तो यहाँ पर आसिम फैंस का गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज होता अगर क्लिप में कुछ सच्चाई होती, आसिम के खिलाफ मौकरी होती, लेकिन भाई म्यूट क्लिप पर किस बात का गुस्सा, और वो भी ऐसा गुस्सा। तो यहाँ पर ट्विटर पर जो कल रात गुस्सा फूटा है 100K करके, यानी कि 1 लाख ट्वीट करके ही आसिम फैंस माने हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके अगर स्टार के खिलाफ कोई बोले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पहले जान तो लीजिए बोला गया भी है कि नहीं बोला गया है। अगर आपको अभी भी लगता है बोला गया है तो क्या बोला गया है मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे 30 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे वाक्य के बारे में लिखकर बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। और अब भाई आसिम की बात उठी है तो आसिम रियाज का ऐसा कौन सा म्यूजिक वीडियो है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। जी हाँ, अभी आसिम 7 से 8 म्यूजिक वीडियोस में फीचर कर चुके हैं आफ्टर बिग बॉस, एकदम शाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में वो कौन सा म्यूजिक वीडियो है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, इस मजेदार क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो मैं भी करूंगी आपके साथ इंटरेक्ट। आ जाइए कॉमेंट सेक्शन में और साथ ही हमारे चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसी खबरें एक्सक्लूसिवली हमेशा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।